बारामूला के कुंजर इलाके में भीषण आग लगी, जिसमें बताया जा रहा है कि जो फायर फाइटर्स वहां पर आग बुझाने के लिए पहुंचे थे, उसमें से एक बिल्डिंग के नीचे गिर गया और फिलहाल वो जख्मी है। सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि देर रात करीबन 3 बजे का तो चलिए रुक करते हैं। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर साथी इशफाक कुंजर से। जी इशफाक, बताइएगा, फायर फाइटर घायल हुआ है, फिलहाल उनकी किस तरह की स्थिति है, कुछ नाम सामने आया है, कहाँ के रहने वाले हैं? जी प्रियंका जी, जिस तरह से हम इस मौसम की बात करें, खुशक मौसम चल रहा है और इन दिनों जो है वादी के मुख्य मकामात से जो आग की वारदात रोनमा हो रही है, और आज का ये जो वारदात पेश आया है ये गुलमर्ग के ठंडमरग के कुंदर टाउन में, और कुंदर टाउन की अगर बात करें यहाँ पर 4 दुकानें जो है जिनमें एक कंप्यूटर शॉप भी है, इंस्टीट्यूट जो है जहाँ से 100 के करीब जो बच्चे जो तब तरबियत हासिल कर रहे थे, यहाँ पर आज 3 बजे के करीब जो है आग लगी है, और आग लगने के तहत यहाँ पर मकामी लोग पहुंचे हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस और फायर फोर्स जो होते हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और उन्होंने जो है, क्योंकि अगर इस मार्केट की बात करें इसमें करीबन इस मार्केट में एक बड़ा मार्केट है, 40 से 80 के करीब यहाँ पर दुकानें जो है दोनों साइड में है, तो इनकी ये कोशिश रही है मकामी लोगों और फायर फोर्स की जल्द से जल्द जो जिस तरह की भयानक आग थी उस आग पे कंट्रोल करना था, और यहाँ पर इनके पास काफी, क्योंकि इस वक्त जो ठंड भी थी तो उन्हें इस आग पे काबू कर लिया ताकि जो बाकी दुकानें हैं वो बच गई, लेकिन इसमें जो इमलाक था, जो सामान था, चाहे वो कंप्यूटर लैब की बात करें या इस रेस्टोरेंट की बात करें या दूसरे जो 2 दुकानें थे, इसमें करोड़ों का नुकसान ये हुआ है, जिस तरह से हमने भी अभी इसका जायजा लिया है, और इसमें ये रात के दौरान क्योंकि काफी लोग भी जमा हुए थे, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग भी थे और फायर सर्विस के लोग जो थे वो आग बुझाने में काफी मसरूफ थे, उसमें जाके एक जो इनका व्यक्ति है फायर सर्विस का, इसका नाम खुर्शीद अहमद है, उसको जो है वो जख्मी हुआ है, और बिल्डिंग से जो है वहां पर सीढ़ी से शायद उसकी फिसलन हो गई है तो उस वजह से उसको जो है जख्मी हुआ है, उसकी नेक में चोटी आए हैं, उसके हाथ में चोटी आई है, जिससे हमने ऑफिसर से बात की तो उसकी स्थिति जो है अस्पताल में बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन काफी जो है उसमें जो चोटें आई है। अब यहाँ के जो लोग हैं जिसमें जिनका ये नुकसान हुआ है, ये लोग क्योंकि इसमें एक स्टूडेंट है, एक बीटेक स्टूडेंट है, और दूसरा भी हाई क्वालिफाइड लड़का है जिसने जो है ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला था, और यहाँ पर लोगों को जो है जो यहाँ पर बीपीएल कैटेगरी से लोग हैं उनको सब्सिडी लेवल पे ये यहाँ पर कोशिश करा था, इनकी अब ये डिमांड है कि जल्द से जल्द, क्योंकि विंटर शुरू हुआ है और इन्हें जो है लोन निकाल के मुख्य जो एक ने खेती बेची थी तब जाके पूरा कारोबार था, तो उनकी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द इनको जो है रिहैबिलिटेट किया जाना चाहिए दूसरी बार, ताकि इनका जो मुआवजा है वो भी दोबारा से सरकार इनको देनी देनी चाहिए, ये जो अपना कारोबार है दोबारा से शुरू कर सके। बिल्कुल, नुकसान काफी हुआ है, हालांकि इंतजामिया को चाहिए कि वो मदद करे। तो कुछ कारण साफ हुआ है कि क्यों ये आग लगी? जी, जिस तरह से अभी तक हमने यह मालूम किया है जो फायर फाइटर्स है उनसे भी हमारी यहाँ पर बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी वारदात और यहाँ पर रिपोर्ट जो है अभी अभी दर्ज कर रहे हैं, तहकीकात शुरू हो रही है, क्योंकि यहाँ ये मालूम नहीं हो जिस तरह से यहाँ पर पुलिस और ये मकामी लोग पहुंच गए और फायर फाइटर्स, इस वक्त आग जो है काफी भड़क उठी थी तो आग के शोले इस बिल्डिंग से आ रहे थे, तो उनका उनका ये मुतालबा है कि अब इसमें जो है वारदात और कार्रवाई होगी और पता लगेगा कि ये शॉर्ट सर्किट था आया ये गैस का लीकेज था, तो इस वजह से ये बात तो मालूम हो जाएगा कि किस वजह से, लेकिन यहाँ के लोगों की अब डिमांड है कि इन ये जो लोग थे जिन्होंने कारोबार स्टार्ट किया था, ये अनएम्प्लॉयमेंट लड़के इसमें इन्वॉल्व थे, तो उनको जल्द से जल्द जो है दोबारा रिहैबिलिटेट किया जाना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए इशफाक। तो खुर्शीद अहमद एक फायर फाइटर, हालांकि बहुत टफ इनकी जॉब होती है, और आग बुझाते बुझाते किस तरह से वो बिल्डिंग के नीचे गिर गए, फिलहाल जख्मी बताए जा रहे हैं। जाते जाते एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं।